नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बड़ा दिलचस्प एक टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आईपीएल 2023 का टॉपिक है कि आईपीएल 2023 में हर टीम के खिलाड़ियों पर, क्योंकि आप लोगों की नजर है, तो हर टीम के कौन से वो तीन खिलाड़ी होंगे जिन पर हर किसी की नजर होगी, या जिनके खेल पर टीम इंडिया की नजर होगी, क्रिकेट फैंस की नजर होगी, वो कौन कौन से तीन खिलाड़ी। हालांकि बहुत सारी टीमों के खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनके चार चार पांच पांच खिलाड़ियों पर नजर होने वाली है, लेकिन तीन खिलाड़ियों पर फोकस करूंगा कि किन तीन खिलाड़ियों पर नजर होने वाली है। तमाम टीमों की मैं बताऊंगा, 10 की 10 टीमों के मैं तीन तीन खिलाड़ी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप लोगों को बताएंगे कि कौन से तीन खिलाड़ियों पर सब हर किसी की नजर रहने वाली है। सबसे पहले मुंबई की मैं बात करता हूं। मुंबई में जो तीन खिलाड़ी है, जोफ्रा आर्चर, कैमरून ग्रीन और ब्रेविस। देखिए, हालांकि नजर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन तमाम पर होगी, लेकिन हमें पता है कि ये खिलाड़ी भारतीय पिचों पर बेहतर करने वाले हैं। कमाल इनको, इनकी अगर टीम इंडिया में भी देखें तो भी कोई मामला गड़बड़ नहीं है इनके लिए। हाँ, ईशान किशन के लिए जरूर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, लेकिन रोहित और सूर्य अपनी अपनी जगह को सेव कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल इन पर इसलिए क्योंकि जोफ्रा आर्चर इस बार पहली बार खेलते नजर आएंगे मुंबई इंडियंस से, तो कमाल की गेंदबाजी वो करते हैं, तो देखना होगा कि किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, चोट से वापसी करेंगे। और जैसा खिलाड़ी ऐसा होता है कि उसको मैदान पर देखकर वैसे भी क्रिकेट फैंस खुश होते हैं, तो इसलिए जोफ्रा आर्चर। कैमरून ग्रीन पहली बार आईपीएल में आ रहे हैं, बहुत महंगा कैमरून ग्रीन को मुंबई ने खरीदा, तो इसलिए उन पर नजर होने वाली है। और ब्रेविस हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, छोटा डिविलियर्स उनको कहा जाता है, इसीलिए इन तीन खिलाड़ियों पर नजर मुंबई में होने वाली है। अब बात करते हैं सीएसके। सीएसके में देखिए, बेन स्टोक इस बार सीएसके में गए हैं, तो जाहिर तौर पर बेन स्टोक के ऊपर नजर रहने वाले बड़े खिलाड़ी हैं। राजस्थान के लिए कई बार बहुत बेहतर पारियां खेल चुके हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी के तौर पर, तो सीएसके में जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलेंगे, तो जाहिर तौर पर एक अलग इंपैक्ट उनका चाहते हैं क्रिकेट फैंस, सीएसके के फैंस, तो इसलिए पीली जर्सी में स्टोक किस तरीके का खेलेंगे देखने वाली बात होगी। जडेजा कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसी टीम इंडिया में वापसी की है, सीएसके के लिए कैसी करते हैं 2023 में ये देखने वाली बात। 2022 उनका बहुत बुरा गया, वो भुलाना चाहेंगे रविंद्र जडेजा, इसलिए 2023 में जडेजा के ऊपर भी नजर है, ना केवल आईपीएल के हिसाब से बल्कि टीम इंडिया के लिहाज से भी, क्योंकि आईपीएल के बाद हमें वनडे वर्ल्ड कप खेलना है और ऐसे में रविंद्र जडेजा का फॉर्म बेहतर होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए रविंद्र जडेजा पर नजर होने वाली है। एक दीपक चाहर पर नजर होने वाली है, मेरा अपना परसेप्शन है कि मुझे ऐसा लगता है कि दीपक चाहर पर भी हर किसी की नजर होने वाली है, क्योंकि दीपक चाहर बहुत शानदार गेंदबाज है, बहुत कमाल के गेंदबाज है, गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन चोट की वजह से दीपक चाहर का करियर ऐसा लग रहा है शायद जैसे डामाडोल है, करियर पर खतरा है, इसलिए दीपक चाहर के ऊपर भी हर किसी की नजर होगी कि भाई कैसी गेंदबाजी दीपक चाहर करेंगे 2023 में। ये तीन खिलाड़ी, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि गायकवाड़ को लगातार बातें की जाती है कि गायकवाड़ को टीम इंडिया में लाइए, तो गायकवाड़ का नाम भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इन तीन खिलाड़ियों पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है। उसके बाद में गुजरात, गुजरात के लिए देखिए मेरी नजर में बताऊं तो मैंने विलियमसन का नाम इसलिए पहले रखा है, मैं देखना चाहता हूं कि केन विलियमसन गुजरात में जाकर कैसा खेलेंगे, क्योंकि कैप्टन तो होंगे नहीं और उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये हार्दिक पांड्या तय करेंगे, आशीष नेहरा तय करेंगे, गुजरात का मैनेजमेंट तय करेगा। अब वो आशीष नेहरा की कप्तानी में कैसा खेलेंगे, किस पोजिशन पर खेलेंगे, क्या तेज खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ये विलियमसन, इसलिए मेरी नजर विलियमसन पर रहने वाली है गुजरात के लिए। जोशवा लिटिल, यार मैं इस गेंदबाज को चाहता कि एक गेंदबाज प्लेइंग 11 का सदस्य रहे सारे मैचेस में, मैं इस गेंदबाज को बड़ा पसंद करता हूं। जोशवा लिटिल जिसने T20 विश्व कप में हैट्रिक ली थी, आपको याद होगा, वो गेंदबाज है, तो मेरी नजर इस गेंदबाज पर भी रहने वाली है। शिवम मावी पर नजर रहने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया तक पहुंच चुके हैं, अगर शिवम मावी ने बेहतर प्रदर्शन किया तो हो सकता है कि टीम इंडिया तक का जो सफर है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि वनडे और T20 विश्व कप उसके बाद में फिर नजदीक है, तो ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर नजर ना केवल क्रिकेट फैंस की होगी बल्कि बोर्ड की भी होगी, तो इसलिए शिवम मावी भी उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन पर नजर पैनी रहने वाली है क्रिकेट बोर्ड की सेलेक्टर्स की, तो शिवम मावी पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है। केएस भरत, केएस भरत को भी मैंने नाम शामिल किया, क्योंकि केएस भरत भी अब टीम इंडिया तक पहुंच चुके हैं और जाहिर तौर पर केएस भरत को अगर मौका मिला, हालांकि ऐसा अनुमान है कि शायद रिद्धिमान साह खेलेंगे ओपनिंग करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर, लेकिन अगर केएस भरत को मौका मिलता है, हार्दिक मौका देते हैं, तो भरत के ऊपर भी हर किसी की नजर रहेगी। बाकी खिलाड़ी बहुत है, सबके नाम मैंने नहीं लिखे क्योंकि हार्दिक भी है, शुभमन गिल भी है, लेकिन उन पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो लगातार कंटिन्यूअसली प्लेयर है, उनको उनकी जगह को कोई खतरा नहीं है। मैं केवल उन खिलाड़ियों को बता रहा हूं जिनकी जो पहली बार खेल रहे हैं, या फिर टीम इंडिया की जिन पर नजर रहने वाली है, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनकी नजर रहने वाली है, उन खिलाड़ियों का मैंने केवल जिक्र किया है। तो मावी की क्योंकि टीम इंडिया में नजर है, जोशवा लिटिल क्योंकि पहली बार आईपीएल खेलेंगे तो हर किसी की नजर होगी, केन विलियमसन क्योंकि कप्तानी छोड़कर दूसरे कप्तानी में खेलेंगे तो कैसा खेलेंगे ये इसलिए नजर मैं बता रहा हूं, इसलिए मैंने उनका नाम रखा है। अब आरआर, देखिए राजस्थान रॉयल की भी टीम बहुत मजबूत है और
और चैंपियन मानी जा रही है, 2023 की चैंपियन टीमों में से एक राजस्थान की टीम भी है। तो इसमें कौन कौन है, जोस बटलर, जिस तरीके की बल्लेबाजी जोस बटलर इस वक्त कर रहे हैं मेरे भाई, गजब की T20 बल्लेबाजी फॉर्म में है, बहुत गजब की फॉर्म में है। तो हर किसी की नजर जोस बटलर पर भी होने वाली है, क्योंकि IPL के बाद जोस बटलर को भारत में वनडे विश्व कप खेलना है, और ऐसे में बटलर का फॉर्म कैसा रहेगा इसकी नजर ना केवल IPL की टीमों के ऊपर होगी बल्कि इंग्लैंड टीम भी देखेगी। इंग्लैंड टीम भी चाहेगी कि जोस बटलर IPL में बढ़िया खेले, क्योंकि इंग्लैंड भी चाहेगी कि भाई उनकी कप्तानी में व्हाइट बॉल क्रिकेट में जोस बटलर कमाल की परफॉर्मेंस करे। तो इसीलिए क्रिकेट की भी नजर होगी और भारतीय क्रिकेट की भी नजर जोस बटलर पर होगी। उसके बाद में संजू सैमसन, नो डाउट संजू सैमसन के ऊपर हर किसी की नजर रहेगी। मैं तो चाहता हूं कि यार संजू सैमसन कमाल की तोड़फोड़ बल्लेबाजी IPL 2023 में करे, ताकि सेलेक्टर्स मजबूर हो जाए संजू सैमसन को लेने के लिए। इसलिए संजू के ऊपर भी नजर सेलेक्टर्स की होने वाली, ऐसा नहीं है, संजू के ऊपर भी नजर होने वाली है, क्योंकि लगता नहीं है कि ऋषभ पंत वापसी करेंगे वर्ल्ड कप तक। और अगर ऋषभ पंत वापसी नहीं करेंगे तो ऐसा बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए टीम इंडिया को जो भरोसेमंद हो, तो ऐसे में संजू सैमसन के ऊपर नजर हो सकती है टीम इंडिया की। उसके बाद में अश्विन और चहल, इन दोनों पर नजर इसलिए होने वाली है क्योंकि वनडे विश्व कप में कौन खेलेगा, एक दोनों, ये तो बात पक्की है कि दोनों में से एक खेलेगा, चहल या अश्विन। अब क्योंकि दोनों बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब अश्विन ने हाल ही में टेस्ट मैच में कितनी कमाल की गेंदबाजी की है और वो लगातार करते भी रहे, तो इसलिए इन दोनों पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही वनडे विश्व कप में खेलेगा तो दोनों गेंदबाज चाहेंगे कि बढ़िया परफॉर्मेंस करें, इसीलिए दोनों पर भी नजर रहने वाली है और दोनों गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कुलदीप सेन का नाम रखा है, कुलदीप सेन की गेंदबाजी कैसी रहेगी ये भी तय करेगा कि टीम इंडिया में वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि टीम इंडिया इस IPL से भी कई सारे खिलाड़ियों को निकालेगा, मौका देगा वनडे विश्व कप के लिहाज से, क्योंकि कुछ ही महीने बाद खेलना है वनडे विश्व कप, तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है। तो कुलदीप सेन के ऊपर भी नजर रहने वाली, बाकी बहुत सारे खिलाड़ी, जेसन होल्डर भी है, बाकी सारे कई सारे एडम जैम्पा भी है, बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, जो रूट भी आए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो रूट को मौका मिलेगा, और अगर दो अश्विन और चहल खेलेंगे तो मुझे लगता नहीं कि एडम जैम्पा भी आएंगे, क्योंकि चार विदेशी खिलाड़ियों का मामला फंस जाएगा। अब चार विदेशी खिलाड़ियों में जोस बटलर होंगे, हेटमायर जरूर होंगे, ट्रेंट बोल्ट जरूर होंगे, अब चौथा कौन खेलेगा, होल्डर भी खेलेंगे, तो ये मामला अटक जाएगा राजस्थान के लिए कि जैम्पा शायद मुझे लग रहा खेल नहीं पाएंगे, हालांकि नजर उन पर भी रहने वाली है अगर वो खेलेंगे तो। अब PBKS, देखिए पंजाब की टीम भी इस बार कुछ अलग तरीके की बनी है, कुछ अलग रेसिपी पंजाब की है, कुछ आक्रामक, कुछ बढ़िया, कुछ अच्छे खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो पंजाब में सैम करन के ऊपर मेरी नजर रहने वाली है, क्योंकि बहुत महंगे पैसे में भाई, बहुत महंगी रकम में खरीदा सैम करन को, और अगर सैम करन कुछ नहीं कर पाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रीति जिंटा ऐसी है, वो मैंने सुना है कि मैदान पर बेइज्जती कर देती है खिलाड़ियों की, तो भाई सैम करन को ये सोचना समझ कर रखना पड़ेगा कि भाई ये धोनी नहीं है जो सब कुछ सहन कर लेते हैं, यहां भाई प्रीति जिंटा है, आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा वरना वो मामला गड़बड़ है आपका। फिर तो सैम करन के ऊपर नजर रहने वाली, लियाम लिविंगस्टन के ऊपर भी नजर रहने वाली है कि वो कैसा प्रदर्शन, एक सिकंदर रजा इस बार IPL में आ रहे हैं और भाई कमाल की परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ, अगर मैं बात करूं महीनों में, तो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है, तो एक अच्छा ऑलराउंडर पंजाब को मिला है सिकंदर रजा के तौर पर। तो इन तीन खिलाड़ियों पर, सैम करन, लिविंगस्टन और रजा, तीनों ऑलराउंडर है, तीनों पर नजर रहने वाली है, तीनों पर नजर रहने वाली है इस बार। हालांकि नजर शिखर धवन पर भी होगी, क्योंकि शिखर धवन भी वो खिलाड़ी है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो टीम इंडिया में हो सकता है कि 1% आ जाए, वरना टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं शिखर धवन के, ये बात सीधी सी है, टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और अगर इस IPL में नहीं चल पाए, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर इस IPL में शिखर धवन फेल हो गए बल्लेबाज के तौर पर, तो IPL करियर भी आप खत्म मान लीजिएगा, क्योंकि उनको फिर बाद में IPL टीमें भी खरीदेंगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहां पर शिखर धवन के ऊपर भी नजर रहने वाली है। उसके बाद में SRH के बाद में बताता हूँ, SRH में राहुल त्रिपाठी, क्योंकि टीम इंडिया तक पहुंच चुके हैं, उनका प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा टीम इंडिया के लिहाज से भी और सनराइजर्स हैदराबाद के लिहाज से भी। उमरान मलिक टीम इंडिया तक पहुंच चुके हैं, हर कोई चाहता है कि उमरान मलिक टीम इंडिया में आए, तो उमरान मलिक का प्रदर्शन भी टीम इंडिया के लिहाज से भी और IPL के लिहाज से भी हर मायने रखेगा, बहुत मायने रखेगा। और अगर वनडे विश्व कप खेलना है उमरान मलिक को, तो भाई प्रदर्शन करना पड़ेगा, उमरान मलिक को बेहतर विकेट लेने पड़ेंगे। तो इसलिए उमरान मलिक, राहुल त्रिपाठी, भुवनेश्वर कुमार पर नजर रहने वाली है। वो इसलिए रहने वाली है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार, ऐसा लग रहा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से अब लगभग उनका करियर खत्म है। तो अगर IPL में भी भुवनेश्वर नहीं चले, तो ये समझ लेना कि ठप्पा लग जाएगा, वो छाप लग जाएगी कि भुवनेश्वर अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको नहीं खेलते नजर आएंगे। रेड बॉल क्रिकेट से वो पहले ही लगभग बाहर हो चुके हैं। तो भुवनेश्वर कुमार का इंटरनेशनल करियर आप लगभग ये समझ लेना फिर बंद हो चुका है। तो इसीलिए भुवनेश्वर कुमार के ऊपर भी नजर रहने वाली है। वॉशिंगटन सुंदर पर एक मेरी नजर रहेगी, वो इसलिए रहेगी क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों में कश्मकश है, दोनों में बहुत
बड़ा एक चैलेंज चल रहा है आपस में कि भाई कौन टीम इंडिया में खेलेगा। अब या तो अक्षर पटेल खेलते हैं या वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं। अब अक्षर पटेल खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हो सकता है कि टीम इंडिया में उनको मौका मिल जाए। तो इसलिए इस खिलाड़ी पर भी नजर रहने वाली, वॉशिंगटन सुंदर पर। अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो टीम इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप में सुंदर को मौका मिल सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही अक्षर पटेल भी कर लेता है और दोनों ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही सुंदर भी करते हैं। तो दोनों में बड़ी हेल्दी कॉम्पिटिशन है अक्षर पटेल और सुंदर में, तो इसलिए वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर भी नजर रहने वाली है। अब बात करते हैं केकेआर की। देखिए केकेआर में वैसे तो खिलाड़ी बहुत है, लेकिन तीन जो अहम खिलाड़ी जो मैंने रखे हैं वो है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर इसलिए क्योंकि ऑलराउंडर है और इस बार केकेआर ने उनको शामिल किया, बड़ा दाव खेला है शार्दुल ठाकुर को लेकर और अच्छी परफॉर्मेंस कुछ शार्दुल ठाकुर ने दी है दिल्ली कैपिटल ने छोड़कर। हालांकि दिल्ली कैपिटल पछता जरूर रही होगी, लेकिन केकेआर ने लेकर बड़ा अच्छा दाव खेला, तो शार्दुल ठाकुर के ऊपर नजर रहेगी। एक जगदीशन के ऊपर मेरी नजर रहेगी। मेरा मानना है कि जगदीशन को पूरे आईपीएल सीजन में प्लेइंग 11 में मौका दीजिए, उनको ओपनर बनाइए, बेहतर परफॉर्मेंस आपके लिए करके दिखाएंगे। इसलिए मेरी नजर है विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आप जगदीशन को खिलाइए, मेरी उन पर नजर रहने वाली और तमाम क्रिकेट फैंस की भी जगदीशन के ऊपर नजर रहने वाली है। जगदीशन के बाद है डेविड विजय। अरे मेरे भाई डेविड विजय वीजा काट देता है, खिलाड़ी वीजा काट देता है विपक्षी बल्लेबाजों का, बहुत गजब का गेंदबाज है, 5-5 विकेट लेता है। और अगर कोई वाइट बॉल क्रिकेट में छोटे फॉर्मेट में T20 में 5 विकेट ले रहा तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, और बल्लेबाजी में भी ये कमाल करता है। तो ये इसके ऊपर मेरी नजर है डेविड विजय। केकेआर वालों भाई इसको खिला लो, केकेआर वालों इसको खिला लो, ये आपको जिता देगा, चैंपियन बना देगा। इस खिलाड़ी के अंदर दम है, डेविड विजय के अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत दम है, लेकिन मुझे लगता नहीं है यार इसका मौका मिलेगा, क्योंकि चार विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर किस किस को केकेआर खिलाएगी मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन रसल और नारायण शायद ऑलराउंडर के तौर पर ये दोनों खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, और डेविड विजय का नंबर शायद नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेविड विजय को बाहर करके केकेआर पछताएगी। मेरे भाई इसको जरूर खिलाओ यार, मुझे लग रहा है कि ये खिलाड़ी बहुत बेहतर करके दिखाएगा। उसके बाद में लखनऊ की बात कर लेता हूँ। लखनऊ में राहुल के ऊपर नजर रहेगी, राहुल के ऊपर नजर इसलिए रहेगी क्योंकि राहुल का बल्ला चल नहीं रहा है। 2022 के बाद तो राहुल के बल्ले से कुछ भी मुझे अच्छा लग नहीं रहा है और लगातार मौके भी मिल रहे हैं, राहुल फिर भी फेल होते जा रहे हैं। तो राहुल के ऊपर हर किसी की नजर रहेगी, ना केवल क्रिकेट फैंस की बल्कि टीम इंडिया की भी नजर रहने वाली है राहुल के ऊपर। तो राहुल के ऊपर नजर रहेगी, रवि बिश्नोई के ऊपर नजर रहेगी। रवि बिश्नोई के ऊपर नजर इसलिए रहने वाली है क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है चहल, आने वाले भविष्य में चहल अश्विन और कुलदीप के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। और सबसे पहले अगर इन तीनों के बाद नाम लिया जाता है कि टीम इंडिया में कौन इनको रिप्लेस करेगा तो रवि बिश्नोई का नाम लिया जाता है। तो रवि बिश्नोई के प्रदर्शन के ऊपर भी हर किसी की नजर है, क्योंकि पिछले T20 विश्व कप में भी यह बात कही गई थी कि भाई रवि बिश्नोई को क्यों नहीं खिलाया, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और एशिया कप में जब रवि बिश्नोई को पाकिस्तान के खिलाफ मौका दिया था तो उन्होंने कमाल के परफॉर्मेंस करके भी दिखाई थी, बाबर आजम का विकेट लिया था आपको याद होगा। तो इसलिए रवि बिश्नोई के प्रदर्शन के ऊपर भी नजर रहेगी, अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो हो सकता है कि वनडे विश्व कप या T20 विश्व कप में किसी एक का टिकट कट जाए रवि बिश्नोई का, तो इनके ऊपर भी नजर वाली है। दीपक हुड्डा के ऊपर नजर रहेगी क्योंकि हुड्डा भी उस तरीके का काम कर नहीं पा रहे जिसकी उम्मीद है। जिस ऑलराउंडर के तौर पर दीपक हुड्डा को खिलाया जा रहा है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, उस तरीके का काम दीपक हुड्डा भी कर नहीं पा रहे और बहुत सारे ऑलराउंडर लाइन में बैठे हुए, तो इसलिए दीपक हुड्डा के लिए भी करो या मरो वाला होगा आईपीएल 2023। अगर नहीं चल पाएंगे तो फिर बाहर जाएंगे, सीधी सीधी बात है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। सुंदर को बाहर कर दिया जाता है, अक्षर पटेल को खिलाया जाता है, तो अगर दीपक हुड्डा बाहर चले जाएंगे तो सुंदर और अक्षर पटेल दोनों एक साथ खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं और दीपक हुड्डा की तरह तेज़तर्रार शॉट भी खेल सकते हैं, वो आपको पता भी है। तो इसलिए हुड्डा के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है मेरे भाई और नजर रहने वाली है। उसके बाद में नवीन उल हक यानी गेंदबाज आया है इस बार, अफगानिस्तान का गेंदबाज है। मैंने कुछ T20 में उसकी गेंदबाजी देखी, यार कमाल की गेंदबाजी करता है, 2-3 मतलब गुच्छों में विकेट लेता है नवीन। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऊपर भी नजर रहने वाली है मेरे भाई। अफगानिस्तान के खिलाड़ी वैसे भी बहुत टैलेंटेड है, जो भी आया है वो मेरे भाई कमाल का प्रदर्शन करता है, तो इसलिए नवीन उल हक के ऊपर भी मेरी नजर रहने वाली है। उसके बाद में आरसीबी की बात है तो आरसीबी में विराट कोहली को 100% रहेगी, क्योंकि विराट कोहली का प्रदर्शन ये तय करता है कि आरसीबी कितनी आगे तक जाती है। ये विराट कोहली के हमेशा विराट कोहली के प्रदर्शन के ऊपर तय होता है कि आरसीबी कितने आगे तक का सफर तय करती है, और विराट कोहली के ऊपर भी इस बार नजर रहने वाली है। मोहम्मद सिराज के ऊपर नजर रहने वाली है क्योंकि सिराज का प्रदर्शन इस वक्त गोल्डन टच में है। सिराज गजब की गेंदबाजी करते हुए विकेट चटका रहे हैं, और अगर आईपीएल में भी चल गए तो भाई टीम इंडिया में जो इस वक्त कश्मकश चल रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के आने के बाद कौन बाहर जाएगा, ये जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई क्या सिराज जीत पाएंगे, ये लड़ाई जीतेंगे सिराज आईपीएल में। अगर आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन करते हैं तो यकीन मानिएगा कि सिराज आपको 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में नजर आने वाले हैं। वरना बहुत सारी हेल्दी लड़ाई है, बहुत सारे गेंदबाज इस वक्त कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे गेंदबाज इर्द गिर्द है सेलेक्टर्स के, तो उनमें सिराज भी है, मोहम्मद शमी है, उमरान मलिक है, कई सारे गेंदबाज हैं, तो उन गेंदबाजों में कौन आगे जाएगा, अर्शदीप सिंह है तो जसप्रीत बुमराह अंदर आएंगे तो कौन बाहर जाएगा, तो वो देखने वाली बात होगी। तो सिराज के प्रदर्शन पर भी नजर रहने वाली। एक फिन एलन है आरसीबी में, हालांकि उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा
जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिन एलन को खिलाना चाहिए। फिन एलन एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपके पावर प्ले का आपको इस्तेमाल करके और बेहतर आपको स्टार्ट दे सकता है। अब क्योंकि फाफ डुप्लेसिस आते हैं ओपनिंग करने के लिए विराट कोहली के साथ, तो वहां पर उस खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यार इस खिलाड़ी को आप खिलाकर देखिए शुरुआत के कुछ मैचों में, कुछ लीग मैचों में खिलाकर देखिए। फाफ डुप्लेसिस हो सकता है कि नीचे खिला लीजिए आप उनको, नंबर तीन पर फाफ डुप्लेसिस को खिला लीजिए या विराट कोहली को नंबर तीन पर खिला लीजिए, फिन एलन से ओपन करवा लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिन एलन बहुत कारगर साबित हो सकते हैं इनके लिए, तो फिन एलन को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक इनके पास है डेविड विली और रिस टोपले, ये दोनों विदेशी हैं हालांकि, और लेकिन दोनों के अंदर यार गेंदबाजी की कमाल की काबिलियत है, उछाल इन दोनों को मिलता है क्योंकि ऊंचे कद के हैं। और डेविड विली तो मेरे भाई बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से कमाल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों भी, इन दोनों के ऊपर भी नजर इस बार होने वाली है, लेकिन विराट और मोहम्मद सिराज इंडियन प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इन दोनों पर नजर होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया के लिहाज से इन दोनों का प्रदर्शन करना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल, तो दिल्ली कैपिटल में पृथ्वी शो, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बहुत सारी लड़ाई चल रही है कि पृथ्वी शो को टीम इंडिया में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है, ये आप लोगों को पता है। तो पृथ्वी शो को मौका मिलेगा मुझे पता है ओपनर के तौर पर, तो पृथ्वी शो इस वक्त गजब की टच में है, तो पृथ्वी शो का प्रदर्शन कैसा रहता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई चल रही है कि भाई वनडे विश्व कप में या फिर T20 में पृथ्वी शो को मौका दीजिए, तो मौका तो तब मिलेगा ना जब IPL में कमाल करेंगे। तो IPL में अगर पृथ्वी शो ने ताबड़तोड़ मतलब छप्पर फाड़ दिया तो यकीन मानना कि टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए कुछ खुल सकते हैं। अगर छप्पर फाड़ बल्लेबाजी पृथ्वी शो ने की, एक दो शतक ठोक दिए, 50 मार दी, मैच जिता दिए, तो पृथ्वी शो के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। तो पृथ्वी शो पर नजर रहेगी, एक सरफराज के ऊपर नजर रहने वाली, क्योंकि सरफराज ने भी डोमेस्टिक सीजन में छप्पर फाड़ बल्लेबाजी की है और लगातार सवाल भी खड़े हुए हैं, लगातार ट्रेंड भी चला है सरफराज का, और टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को लगातार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है कि सरफराज को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो सरफराज को भी अगर मौका मिलेगा IPL 2023 में, तो जाहिर तौर पर सरफराज के ऊपर भी नजर रहने वाली, क्योंकि उनको भी छप्पर फाड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और ये दिखाना पड़ेगा IPL में कि भाई हाँ हम केवल डोमेस्टिक के नहीं, हम IPL के भी बल्लेबाज हैं, हम विदेशी गेंदबाजों के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और ये काम करना पड़ेगा पृथ्वी शो और सरफराज दोनों को। एक कुलदीप यादव, जी हाँ कुलदीप यादव, क्योंकि अश्विन चहल की लड़ाई में जो तिकड़ी है ना उसमें कुलदीप यादव भी हैं, और कुलदीप यादव को भी अपनी जगह बनाने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, हालांकि उनको जब जब मौका मिला उन्होंने विकेट चटका है, तो इसलिए कुलदीप यादव को भी काम करना पड़ेगा। तो वो है एक रिली रोशो, अगर मैं विदेशी खिलाड़ी की बात करूँ डेविड वॉर्नर तो है, रिली रोशो भाई गजब की परफॉर्मेंस कर रहा है ये बंदा यार, गजब की बल्लेबाजी कर रहा है, कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी कर रहा है, कई अर्धशतक उसने ठोक दिए हैं साउथ अफ्रीका लीग में। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिली रोशो को अगर खिलाया जाए नंबर तीन नंबर चार की बल्लेबाजी पर उनको अगर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से यार बहुत दिल्ली कैपिटल की जो रीड है, जो मध्यम क्रम है, वो बहुत मजबूत हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक बहुत मजबूत हो सकता है रिली रोशो को खिलाना, लेकिन पृथ्वी शो, सरफराज और कुलदीप इंडियन प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, इंडियन नजरिए के हिसाब से इन तीनों पर नजर रहने वाली है। तो ये मैंने 10 टीमों के बताए आपको कि कौन कौन से हॉट प्लेयर है, हॉट प्लेयर मैंने लिख दिया IPL 2023 के हॉट प्लेयर जिन पर नजर रहने वाली है। तो आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, कौन सी टीम के किन खिलाड़ियों पर आपकी नजर रहने वाली है कमेंट करके बताइएगा, और आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी टीम का कौन सा खिलाड़ी कमाल करके दिखाएगा ये भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि IPL 2023 में आपको इस तरीके के दिलचस्प टॉपिक मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।